केमिस्ट्री में कितने नंबर आ रहे हैं? 50 नंबर, 40 नंबर, 60 नंबर, 70 नंबर, बट वो कैसे 180 पे पहुंचेंगे, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। देखो, केमिस्ट्री सबसे आसान सब्जेक्ट होता है नंबर लाने के लिए। मतलब अगर नीट के एग्जाम में किसी को सिलेक्शन लेना है तो केमिस्ट्री की जिम्मेदारी है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो भी नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका ड्रीम है अच्छा कॉलेज, एम्स, बढ़िया जीएमसी, उनका पक्का है कि बायो तो अच्छा होता है। अब इसमें बारी आती है कि सर अब क्या करें, तो आपको केमिस्ट्री भी अपनी अच्छी करनी पड़ती है। और मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चों का केमिस्ट्री में कंफ्यूजन लगातार बना रहता है। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट चीज, इनऑर्गेनिक बिल्कुल डिफरेंट, ऑर्गेनिक एकदम डिफरेंट, कैसे पढ़ें क्या करें। फिजिकल केमिस्ट्री में दिक्कत बहुत आती है, फॉर्मूला याद नहीं होता, चैप्टर पढ़ लिए भूल गए पूरी तरीके से, गायब हो चुका है, पढ़ने के बाद भी गायब हो जाता है, एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। इनऑर्गेनिक एक चैप्टर पढ़ लो तो पूरे लास्ट तक कनेक्टेड है, एक छूट गया तो गड़बड़ा जाएगा मामला। ऑर्गेनिक वो डिफरेंट तरीके से चलता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पे कोई एक ऐसा मेथड हो जिससे कि हम केमिस्ट्री में अपने मार्क्स को सिक्योर कर पाए, जितने नंबर अभी आ रहा है उसको बढ़ा करके, जितने भी नंबर आ रहा है 10, 5 कुछ तो आ रहा होगा, माइनस में आ रहा होगा, चलो नंबर बताओ अभी कमेंट सेक्शन में कितने आ रहे हैं आपके, ठीक है, उसको हम लोग उठाकर ले जाएंगे कहां तक, 180। तो कमेंट करना करेंट नंबर और एरो 180, डन। चलो, तो क्या तरीका है साहब, आपको इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, LN MPQ स्ट्रेटजी, यानी कि लेक्चर को लगाना ही है, नोट्स आपके पास होने चाहिए, नहीं है तो दिक्कत है, बना लो, हाँ बना लो, अभी टाइम है बना लो, मॉड्यूल से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये तीन चीज करने के बाद, जैसे लेक्चर देखोगे ढेर सारे क्वेश्चंस उसमें होते हैं, नोट्स में वो सारे क्वेश्चन आपके हैं, फिर मॉड्यूल के क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, तो ऑलरेडी आप एक चैप्टर में सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन पे पहुंच चुके हो। फिर PYQs कर लो, PYQs करने के बाद, इतना करने के बाद, ये ना लेक्चर नोट और मॉड्यूल, PYQs जब करने जाओगे तो बहुत इजिली PYQs सॉल्व हो जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा कॉन्फिडेंस। पूरा खेल लाइफ में जितने भी आप काम करोगे ना, पूरा खेल बेटा आपके, पता है किस चीज का है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो मामला गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो ये जो चीज है ना PYQ, इतना करने के बाद आप करने जाओगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा। फिर उसके बाद आप कुछ बुक्स को फॉलो करके उसके क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, ताकि आपको लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में भी दिक्कत ना आए। अच्छा, इतना हो गया ना, आप पक्का मान के चलो कि आप 140, 150, 160 तक पहुंच चुके हो। अब इसको कई बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। देखो, 200 से 250 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के, ध्यान देना है, तब जाकर के फॉर्मूला, जैसे होता है ना कि प्रॉब्लम आती है ना बच्चों को कि सर मुझे तो फॉर्मूला याद नहीं होता, कैसे याद हो जा रहा होता, आप रट के बैठोगे उस दिन में दिमाग भूल जाएगा उसको, तो उसको क्या करना पड़ेगा, बार बार हमें क्वेश्चन सॉल्व करते रहने पड़ेंगे। तो 200 से 250 क्वेश्चन आप सॉल्व करो फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है, डन है। फिर उसके बाद आप जो भी चीज पढ़ाई करो एकदम स्ट्रिक्टली नया सिलेबस के हिसाब से, कुछ भी पुराना है ही नहीं, नया सिलेबस नए तरीके से पढ़ना है, अपडेट हो चुका था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते चलिए। और ये ध्यान देना है, सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोज देखने से काम नहीं चलेगा, आपको एक डिसिप्लिन होकर के अपने जो बैकलॉग लगे हैं, जो भी चीजें हैं, उसका एक बना लो कि हाँ हमें क्या करना है कि इस बैकलॉग को ऐसे कवर करना है, नोट्स छूटा हुआ है उसका नोट्स का कंप्लीट कर लो, मतलब सारी चीजों का एक प्रोसेस आप सेट कर लो और पूरे डिसिप्लिन वे में आप अपना काम स्टार्ट कर लो, ठीक है। और एकदम लग जाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस की, जो चार चीजें बताई ना मैंने, ये वाली ध्यान दीजिएगा, ये चार है ना, इस पे ये जो चार चीजें बताई ना मैंने, इस पे पूरी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप कंप्लीट करते चले जाओ। और अभी अपने पास बहुत अच्छा समय है, मैं बहुत जल्द आपको सितंबर के मंथ में जो भी टाइम बचे हुए हैं उसमें क्या करना चाहिए एग्जैक्टली वो मैं बताने वाला हूं आपको। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।